हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब माय फैमिली। कैसे हो आप? तो भाई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यस, हैप्पी ब्लॉग में सभी का स्वागत है, बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो आशा करती हूँ आपको हमारा चैनल, हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगता होगा। तो प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कर दबा ले, सबसे पहले आप सभी के पास नोटिफिकेशन जाए। तो गर्मी की टाइम आ चुकी है तो आइसक्रीम, कोल्ड चीज़ सभी को बहुत पसंद आता है। तो मैंने कस्टर्ड बनाया हुआ है, जैसे हमने बनाया है वैसे आप सभी बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा बनाया। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट्स ले लिया है, अच्छे से मैंने वॉश कर लिया, ऐसे मैं अच्छे से कटिंग वटिंग करके तैयार कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट्स लिया हुआ है कट करके। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने दूध लिया हुआ कच्चा हुआ है, अंगूर लिया हुआ है, अनार लिया हुआ है, बनाना लिया हुआ है और केला, एप्पल लिया हुआ है, सेब, मैंगो लिया हुआ है, आम, कस्टर्ड है और मैं शक्कर ली हूँ और मैंने 1 लीटर दूध लिया हुआ है। इसे मैंने बस उबाल लिया हुआ था और मैंने यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर मैंने पानी निकाल दिया हुआ था कि दूध लगे ना, इसलिए मैंने दूध अब डाल रही हूँ। और देखिए, दूध तो ऐसे डालने से कढ़ाई में नहीं लगता है। तो इसे हमें 4-5 मिनट पकाना है गैस पर। तो हम इधर इसे पका रहे हैं और जो मैंने कच्चा दूध लिया हुआ है उस कच्चे दूध में हम कस्टर्ड ऐड करेंगे। तो कितना ऐड करना है वो हम आप सभी को दिखा रहे हैं। तो हमने 1 लीटर दूध लिया हुआ है तो इस कच्चे दूध में हम ऐड कर रहे हैं। तो इसमें हम 4 ढक्कन भर भर के ऐड करेंगे कस्टर्ड। तो ये मार्केट में तो इजी मिल जाता है कस्टर्ड, तो इसे मैंने 4 ढक्कन ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करेगा प्लीज़, और इसे मुझे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स किया, ये ठंडा है इसकी वजह से अच्छे से मिल गया। यही गर्म दूध रहता तो गुठली गुठली होने लगता। तो देखिए, हमने तैयार कर लिया है कस्टर्ड मिक्स करके। तो कलर भी चेंज हो और यहाँ पे मेरा दूध उबल रहा है, इसे हमें अच्छे से पका लेना है। और ठंडी का टाइम तो गया, गर्मी का टाइम है, मैं बना रही हूँ और मैं थोड़ी बीच में ब्रेक भी ले ली थी, थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। और ये मैं जब मेरे पापा थे तभी का मैं वीडियो बनाई थी, लेकिन इसे मैं बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। और ये मेरे पापा को बहुत ही पसंद था, कस्टर्ड बहुत ही ज़्यादा पसंद था, जो कि मेरे पापा खाए भी थे। और अभी मुझे मौका मिला है, 1 मंथ हो गया है तो मैं इस वीडियो को बना रही हूँ और मुझे बहुत तकलीफ भी हो रही है। और ये कस्टर्ड मैंने अपने पापा को खुद हाथों से खिलाया हुआ था। तो देखिए, ये मेरा दूध अच्छे से पक चुका है। तो थोड़ी थोड़ी हम इसमें ऐड करेंगे कि गुठलियाँ ना पड़े। ये स्टेप याद रखना, डायरेक्टली पूरा नहीं ऐड करना है, 2-3 बार में इसे ऐड करना है और इसे चलाते रहना है, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएगी। तो देखिए, हमने 1 बार ऐड किया, ये 2री बार ऐड की हूँ, फिर मैं उसके बाद 3री बार भी ऐड करूँगी, नहीं तो गुठलियाँ पड़ने लगेगी। और ये देखिए, गाढ़ापन होना शुरू हो गया है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम तो बता ही नहीं सकते हैं कि हमारे घर में कितना अच्छा लगता है कस्टर्ड, बहुत ही यमी लगता है। तो जो थोड़ा सा बचा हुआ है इसे भी हम ऐड कर ले रहे हैं। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो प्लीज़ हमारे जैसे एक बार वीडियो बनाइएगा ज़रूर। और आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और गर्मी का मज़ा उठाइए और बनाइए हमारे जैसे। तो यहाँ पे देखिए, हमको 2-3 मिनट इसे अच्छे से पका लिए हैं। तो देख लीजिए, ये अच्छे से पक चुका है, ये तैयार हो चुका है। और आपको कैसे देखना है कि ये तैयार हो चुका है तो हम आपको दिखा दे रहे हैं। इसमें थोड़ा सा हम शक्कर ऐड करते हैं, 250 ग्राम, जैसे आपको पसंद हो वैसे आप शक्कर ऐड कर सकते हैं, मीठा जैसे आपको पसंद हो। तो हमारे यहाँ मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पर मेरी फैमिली को बहुत पसंद है, छोटे बच्चों, बड़े बच्चे, बुजुर्ग सभी को पसंद है। तो यहाँ पे देखें, एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे देखें, क्रंची पे मैंने ऐसे किया हुआ है। तो देखिए, ये अच्छे से पक चुका हो। तो इसे हम निकाल के मतलब उठा के रख दे रहे हैं, ये ठंडा हो जाए।
तो देखिए ये ठंडा हो चुका है। हाँ, इसे मैंने 2-4 मिनट गैस से उतार के मैंने नीचे रखा हुआ था, ये ठंडा हो चुका है एकदम। ज़्यादा ही ठंडा नहीं, फिर भी थोड़ा थोड़ा है अभी गर्म, बट हो गया है ठंडा। तो अब मैं इसे दूसरे बॉयल में निकाल रही हूँ। इसे हमें फ्रीज में ऐड करना है और जितनी सारी फ्रूट्स है उसमें ऐड करती हूँ अभी बॉयल में, और मैं थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स बचाऊँगी भी। तो ये देखिए ऐड मैंने कर लिया है एप्पल, और अब अंगूर ऐड करें, ग्रेप्स, तो ग्रेप्स भी ले लिए मैंने। आप ग्रेप्स को कटिंग भी नहीं कर सकते हैं, वैसे भी डाल सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। यहाँ पे मैंने बनाना भी ऐड कर लिया, और यहाँ पे मैंने अनार भी ले लिया हुआ है। आपको जो भी फ्रूट्स पसंद है वो आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने मैंगो लिया हुआ है, मैंगो भी ऐड कर रही हूँ। और वैसे सारे फल का तो राजा आम ही होता है, बहुत ही यम्मी लगता है खाने में हमको। तो यहाँ पे देखिए हमने सब ऐड कर लिया है, और मैं थोड़ा थोड़ा बचाई भी हूँ, आप सभी को दिखा दे रही हूँ, और देखने में कितना अच्छा लग रहा है कलर। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्रूट्स बचाया है थोड़ा थोड़ा डेकोरेट करने के लिए, देख सकते हैं। तो अब इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं कस्टर्ड, जो ठंडा हो चुका है एकदम अच्छे से। तो इसे अब हम कस्टर्ड को, सारे कस्टर्ड इसमें ऐड कर लें बॉयल में, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और मेरा बाबू तो ऐसे चख लिया था, बोल रहे मम्मा बहुत ही टेस्टी लग रहा है, आइसक्रीम बना के रेडी कर दियो। तो यहाँ पे मैंने एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ है, और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसे हमें ठंडा करके फ्रिज में रखना है, 2-3 घंटे एकदम फ्रीज में इसे रखना है। तो देख लीजिए कस्टर्ड तैयार है, तो अब हम फ्रीज में इसे रखने जा रहे हैं। तो देखिए हम इसमें फ्रीज में 2-3 घंटे मैंने रख दिया है, तो ये ठंडा हो चुका है, अब हम निकाल रहे हैं फ्रीज में से। तो यहाँ पे देखिए हमने निकाल दिया हुआ है, अब मैं सर्व करने जा रही हूँ। ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, और कम टाइम में झटपट में बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी कस्टर्ड बना के सभी को खिला सकते हैं। आप सभी के गेस्ट आए तो भी खाएं तो कह दें वाओ क्या बना हुआ है, वैसे ज़रूर बनाइएगा। तो मैं सर्व कर रही हूँ, 2 बॉल लिए हुए उसमें हम निकाल रहे हैं, और देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो मैंने करंची के सहारे से दोनों बॉल में निकाल दे रही हूँ। तो मैंने रेडी कर लिया हुआ है, अब इसे हम अच्छे से सजा लेते हैं। आप सभी ऐसे वीडियो बनाइएगा, ऐसा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ प्यारा प्यारा कमेंट डाला करिए। और हमें अच्छा लगता है देखने में कि कितने लोग अच्छे अच्छे मैसेज कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो प्लीज़ ऐसे बनाइएगा ज़रूर, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमने कैसा बनाया हुआ है। तो मैंने अच्छे से डेकोरेट कर लिया हुआ है, और बहुत ही देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है, और खाने में तो बता ही नहीं सकती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो मैं जो बॉयल है उसमें भी मैं ऐड कर ले रही हूँ, आप चाहो तो फ्रीज में ऐसे भी रख सकते हो, या फिर निकाल के डेकोरेट करके खिला सकते हो। तो खाइए और बताइए, और हम अपने बच्चों से भी पूछने जाएंगे कि कैसा बनाया, और सभी के सामने दिखाएंगे भी। तो चलिए बच्चे हमारे खा रहे हैं, तो हम पूछने जा रहे हैं कैसा बना हुआ है लड्डू, बताइए। बहुत टेस्टी बना हुआ है। हाँ अनमोल कैसा बना हुआ है? यस कैसा बना हुआ है? बहुत ही अच्छा बना है, आप लोग भी बनाइएगा, आपको मम्मा बनाएगा कमेंट में कि कैसा बना है। तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, जो लाइक नहीं किया लाइक करें, कमेंट नहीं किया कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बोलो सब लोग, बाय।